दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी धरती पर जीवन को लाने में एस्टेरॉयड का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती पर पानी किसी बड़े आइस फॉर्म वाले एस्टेरॉयड के साथ ही आया था। साथ ही दोस्तों, हमारे चंद्रमा का निर्माण भी एक लघु ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण ही हुआ है। जिस तरह हमारी पृथ्वी को जीवन के लिए सक्षम बनाने में इन एस्टेरॉयड का बड़ा योगदान है, उसी तरह इन्हीं एस्टेरॉयड के कारण हमारी पृथ्वी से कई जानवरों की प्रजातियों का भी अंत हुआ है। लाखों सालों पहले हमारी धरती में ऐसे उल्कापिंड टकराए थे जिन्हें डायनासोर जैसे विशालकाय जानवरों की प्रजाति का अंत किया था। हालांकि ये उल्कापिंड आकार में काफी बड़े थे, आज भी हमारी धरती पर ऐसी बहुत सी जगह मौजूद है जिन्हें हम उल्कापिंडों की निशानियों के तौर पर देख सकते हैं। भारत में ऐसी कई झीलें मौजूद हैं जो उल्कापिंड के टकराव के बाद बनी हैं। पिछले कुछ हजार सालों से हमारी पृथ्वी से उतने बड़े उल्कापिंड नहीं टकराए हैं। अगर टकराए होते तो मनुष्य की प्रजाति का अंत हो चुका होता, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी हमारी पृथ्वी से ऐसे उल्कापिंड नहीं टकराएंगे। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती की तरफ सैकड़ों उल्कापिंड बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं, लेकिन वे बहुत दूर हैं और पृथ्वी तक पहुंचने में उन्हें कई साल लग सकते हैं। आपने 29 अप्रैल को पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड यानी कि उल्का के बारे में सुना होगा। खबरों में आपने ये भी सुना होगा कि ये हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा और इससे पृथ्वी का जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि इस वर्ष सिर्फ ये एक ही उल्कापिंड नहीं जो हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है, बल्कि ऐसे कई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहे हैं और इन सभी उल्कापिंडों की पुष्टि नासा ने की है। आज के वीडियो में हम आपको हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहे सभी उल्कापिंडों की जानकारी देंगे। कब कौन सा उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकता है या फिर हमारी धरती के पास से गुजरेगा, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उन सभी एस्टेरॉयड के बारे में जो शायद हमारी धरती से टकरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी वाले वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है 2017 में हमारी पृथ्वी के बहुत ही नजदीक से एक उल्कापिंड गुजरा था जो शायद हमारी पृथ्वी से टकरा सकता था। हालांकि ये उल्कापिंड उतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ये टकरा जाता तो काफी नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसा ही एक उल्कापिंड 2013 में रूस के एक शहर के ऊपर आकाश में डिस्ट्रॉय हो गया था और कई बिल्डिंग की कांच वाली खिड़कियां इसके विस्फोट के कारण टूट गई थीं। दोस्तों, 29 अप्रैल को जो उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आ रहा है, जिसका नाम रखा गया है एस्टेरॉयड 52768, ये आकार में काफी बड़ा है। बताया जा रहा है कि ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा है। अगर ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो भारी तबाही ला सकता है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा और इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा और इसे हमें देखने का मौका भी मिल सकता है। इसीलिए 29 अप्रैल को ये अद्भुत नजारा देखने के लिए अपनी आंखें अंतरिक्ष की ओर टिकाए रखना। इसके बाद 10 मई को एक छोटा उल्कापिंड जो 200 से 400 मीटर साइज का है हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा या फिर शायद टकरा भी सकता है, लेकिन ये आकाश में जलकर खाक हो जाएगा। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद 21 मई को एक उल्कापिंड हमारी धरती की तरफ आएगा जिसका नाम रखा गया है एस्टेरॉयड 136795। ये उल्कापिंड 42,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के बहुत ही नजदीक से गुजरेगा। इसके भी हमारी पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत ही कम हैं। हालांकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। उसके बाद 6 जून 2020 को एस्टेरॉयड 163348 हमारी पृथ्वी के नजदीक पहुंचेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा।
अगर टकरा भी गया तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं है। हमारी पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही इसके चीथड़े उड़ जाएंगे और ये आकाश में नष्ट हो जाएगा। हमारी रक्षा के लिए पृथ्वी ने पहले से ही इंतजाम करके रखा है। इसके बाद 29 नवंबर को जो एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा, इसका नाम है एस्टेरॉइड 153201। ये उल्कापिंड भी आकार में काफी बड़ा है। ये अभी हमारी पृथ्वी से 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और ये बाकी एस्टेरॉइड के मुकाबले बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसकी स्पीड 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उल्कापिंड जो हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये हमारी पृथ्वी से टकरा जाएंगे? नासा के अनुसार तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन क्या पता दोस्तों, अनहोनी कौन टाल सकता है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वैज्ञानिक जानकारी देख सकें। धन्यवाद।